नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में तो बहुत कुछ सुना है, लेकिन उनकी मृत्यु कैसे हुई किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं है। लेकिन पुरानी कथाओं में भगवान कृष्ण के मृत्यु के बारे में बताया गया है। कहते हैं जब दुर्योधन की मृत्यु हुई थी तो उनकी माँ गंधारी उनके शव पर इतना रोई थी कि वह रणभूमि में जाकर उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था कि वह 36 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु हो जाए। भगवान कृष्ण ने इस अभिशाप को स्वीकार कर लिया और भगवान श्री कृष्ण की 36 वर्ष के बाद एक शिकारी के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। तो जानते हैं इस वीडियो के दौरान कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु किस प्रकार हुई थी। आपने महाभारत में जरूर सुना होगा कि गंधारी के 100 पुत्र थे। जब गंधारी के 100 पुत्र मर गए यानी कि रक्तपात हो गया, तब उसके बाद गंधारी इतनी ज्यादा दुखी थी कि उसने उस दुख में भगवान कृष्ण को 100 पुत्रों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया और उस कारण से भगवान श्री कृष्ण को एक श्राप भी दिया। उसने कहा जब भाई एक दूसरे को आपस में मार लेंगे और साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, तब यादव वंश समाप्त हो जाएगा और द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी और भगवान श्री कृष्ण को एकांत में मृत्यु प्राप्त होगी जिसका किसी को ज्ञात तक नहीं होगा। भगवान कृष्ण अपने शासन पर थे तब वहाँ पर यादव वंश का समृद्ध था, यानी कि जब वहाँ पर वह लोग बहुत ज़्यादा अत्याचारी और बहुत ज़्यादा एक दूसरे भाई में लिप्त हो चुके थे, इसलिए वहाँ पर युद्ध हुआ। रणभूमि में इतने जोरों से युद्ध हुआ जिस कारण बहुत लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें भगवान कृष्ण का पुत्र भी मारा गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी को छोड़कर और वह जंगल में चले गए। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़ी तभी समुद्र का पानी वहाँ आ गया और द्वारिका पूरी डूब गई। कहते हैं वास्तविक में द्वारिका अरब सागर की नदी के नीचे है। भगवान श्री कृष्ण अपने भाई यानी बलराम के साथ चले गए, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से उबरने के बाद भगवान बलराम वह वहाँ पेड़ के नीचे वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। शिकारी ने उनके पैर के नीचे कमल बना हुआ देखा। उसने सोचा कि वह एक कोई ना कोई जानवर है। उसने उस पर तीर छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण के तीर लग गया। पैर की उंगली पर कमल का चिन्ह था जिसे उसने जानवर समझा, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जब शिकारी को पता चला कि वह जानवर नहीं भगवान श्री कृष्ण है, तो उसने वहां आकर माफी मांगी और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैंने जानवर समझा था जिस वजह से आपको तीर लग गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यह नियति के अनुसार है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का अंत इस प्रकार हुआ। तो में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण को मानने वाला कोई और नहीं वानर राज यानी कि बली थी। बली को उन्होंने झाड़ के पीछे राम के रूप में उन्हें मारा था, इसलिए वह इस चंगुल में फंस गए और उन्हें भी शिकारी के द्वारा मरने का ही अभिशाप मिला। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। तो ये थे वह कारण जिन कारण से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।